नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका 200 सका में दिगानी। आप देख रहे हैं जो भाई टॉक्स, आप बोलेंगे आज मार्केट में गिराई हुई फिर भी मैं क्यों खुश हो रहा हूं। देखो खुश आदमी क्यों होता है यार, कि सब्जेक्ट पर मैं आगे पढ़ूं उसके बाद में पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल, फिर आगे बात करते हैं। तो आपकी निफ्टी 50 यह सवेरे हमने प्रेडिक्ट कर दिया था, शाम को बोला था, सवेरे बोला था भैया ये सीन भी होगा। और जब आपका प्रेडिक्शन सही जाता है तो सबसे बड़ी बात जाती है। प्रेडिक्शन मीन्स क्या होता है कि उस समय हमारे प्योर सब्सक्राइबर का अपेक्षाओं पर हमें जो खड़ा उतरना चाहिए, मेन बात वो है। मेरा सीधे सीधे तीन ही मोटो है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड टाइम। तो नॉलेज हमारे पास है नहीं, हमने फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ दिया है। यस, हमने छोटी सी फीस दे करके, आधे परसेंट की फीस दे करके, और हमने उस बंदे को कर लिया जिसकी करोड़ रुपए महीने की तनख्वाह, उसको हायर कर लिया है कि भाई मेरे तू मेरे लिए काम कर, तेरे पास नॉलेज है तो काम कर। नंबर वन। नंबर दो, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक हम उसके पास पैसा कैसे देंगे कैसे नहीं देंगे वो काम है जुआइन टॉक्स का, वो जुआइन टॉक्स करता रहेगा। आगे आगे बढ़े उससे पहले हम कर लेते हैं बात। तो निफ्टी 50 आपका देखो स्लाइटली डाउन हुआ है, पहले देखो बिल्कुल आगे। जब तक शशिकांत जी का स्टेटमेंट नहीं आया था मार्केट ने सूट अप ले लिया था, ठीक है, अच्छा खासा सूट अप ले लिया था, लगा था कि यस दिन हमारे लौट आए हैं। लेकिन अब वही हुआ, बाद में शुरू हो गई फिसल पट्टी, तो शुरू हो गई तो 0.12% बिल्कुल, और 0.21% के आसपास सेंसेक्स आपका गिरा है। निफ्टी 0.12% और 21% और 0.03% आपका बैंक गिरा है। वहीं पर ही 0.55% आपका आईटी आगे रही है, तो अच्छी बात है यार, हमारे पास आपको पता ही है एक फंड है। एंड स्मॉल कैप और मिड कैप में आज अच्छी खासी तेजी रही है, तकरीबन 0.25% के आसपास का, ठीक है। खरीद फरोख्त की बात करें तो आपके FIIs ने खरीदा है 4,562 करोड़ का, वहीं पर 3,508 करोड़ DIIs ने, नहीं FIIs ने 4,562 करोड़ की बिकवाली करी है एंड DIIs ने 3,508 करोड़ की खरीदारी करी है, ठीक है। तो अभी भी FIIs लगातार बेच ही रही हैं, कोई बात नहीं, करते हैं चर्चा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी एक मिनट में देख लेता हूं, हाँ ठीक है सब कुछ ओके। अब दोस्तों सबसे पहली बात तो करेंगे कि आज की जो RBI की मॉनिटरी कमेटी की बैठक थी, तो मॉनिटरी कमेटी के बैठक में नतीजा आप लोगों ने देख लिया होगा। अब तक नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूं, मॉनिटरी कमेटी की जो बैठक में, जैसा कि आपने देखा होगा पहले तीन दिन के पहले हमने आपको बता दिया था चार दिन के, कि यस विश्व सूत्रों से बिल्कुल चंडीगढ़ वाले हमारे जो गुरु से बात हुई थी उन्होंने सीधे बोला था, उस दिन तो नहीं बोला था मैंने, उन्होंने बोला था यार रेट और कट नहीं होगा इंडिया का, क्योंकि इंडिया के सिंडोस ठीक दिखाई दे रहे हैं और इंडियन गवर्नमेंट भी चाह रही है कि थोड़े से वैल्यूएशन करेक्ट हो जाए, जो वैल्यूएशन का ठप्पा लग रहा है। तो सो भाई उसके बाद में रेट ना कट होने का, ये तो उन्होंने नहीं बोला कि वैल्यूएशन जो है करेक्ट हो जाए, ये तो इमेच्योर स्टेटमेंट हो जाता, अगर वो ऐसा बोल देते तो कल तो भूचाल ही आ जाता फिर तो मार्केट में। लेकिन हाइड रूप से यही है, उन्होंने दो इसके लॉजिक दिए हैं, वो लॉजिक क्या क्या दिए वो भी आपको बता देता हूँ। पहला लॉजिक दिया है कि उन्होंने GDP की ग्रोथ जो उनका अनुमान है उसी अनुमान पर 7.5% से 7.5% तक रहेगी, और आपको पता है अगर इतना रहेगी तो उसके बाद में जितना महंगाई है महंगाई को ले लो, अब महंगाई ये बोल रहे हैं 4.5% रहेगी, तो 12 से 13% आपकी लार्ज कैप को रिटर्न देना ही देना है, इसमें कोई भी दोहराया नहीं तो फिक्स हो गया इस साल के लिए, ठीक है। और इससे 2% अप मान लो, तो इनके मुताबिक आ रहा है 7.5% इसको मान लो, 4.5% महंगाई मान लो, तो कितना हो गया 7.5 और 4.5 कितना हो गया 12% हो गया, 2% अप मान लो 14 से 15, तो आराम से आपका लार्ज कैप दे देगा और उससे 4-5% आपकी मिड कैप आगे देगी और उससे 4-5% आपका स्मॉल कैप देगा। तो अब ये रिटर्न तो पक्का हो गया है कि हाँ इतना जो हमारा एनुअल ग्रोथ है वो उतना हमारे कार्पस का होना जो हमने करा हुआ है, यस। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है किस प्रकार की आप क्लेबर इन्वेस्टमेंट करते हो, इसीलिए आज का सब्जेक्ट है, लेकिन इस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। पहले जितने सिनेरियोज मैंने बताए थे, जितनी संभावनाएं बताई थी, क्यों प्रेडिक्शन ये सही होता है, वो चीजें आपका जानना जरूरी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं आप मेरे ही सहारे रहें, अपने आप ओन साइको से चलें, ओन थॉट से चलें और आप बराबर पार्टिसिपेट करें, किसमें, डिबेट में, कमेंट्स में आप बराबर पार्टिसिपेट करें, तब तो होता है ना परिवार। अब एक साइड से मैं ही बकता जाऊंगा, आपके तरफ से रिस्पांस नहीं आएगा, तो मतलब क्या हुआ कि आपको समझ या तो नहीं आ रही है या आप बहुत ज्यादा समझ रहे हैं, अब दोनों में से आप देख लीजिए। अगर आप बहुत ज्यादा समझ रहे हैं तो आपका स्वागत है, हमें भी कुछ समझा दिया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे भाई लोग अपना करते हैं, दबा करके कमेंट करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं चाइना पर।
रात ज्यादा हो जाती है तो थोड़ा सा, अभी बज रहा है करीब 10:30-11, ठीक है। तो अब जो है चाइना पर चलते हैं, तो चाइना का देख लो भैया, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इस पर भी हमने आपको बताया था कि भाई मेरे जिसको जहां पे जाना है जाओ, लेकिन ये है आपको लौट करके भारत में आना पड़ेगा, क्योंकि चाइनीज माल के जैसे उनकी मार्केट भी है यार, चाइनीज माल के जैसे उनकी मार्केट भी है। और हमारे यहां पर इलाहाबाद में एक हर एक माल वाला आता है, उसके पास सब कुछ मिलेगा, छन्नी भी मिलेगी, क्या नाम है आपका, चलनी भी मिलेगी, पलटा भी मिलेगा, करछी भी मिलेगी, थाली भी मिलेगी, ये मिलेगा, कंघी मिलेगी, सीसा मिलेगा, लेकिन सब क्या होगा, टोटल का होगा। आता है साइकिल पे, आता है बाइक पे, आता हो आता है, औरतें उसके पास खूब चक्कर मारती है, जेंट्स नहीं जाते कोई। तो मैं किसी जो हमारी लेडी जो है सब्सक्राइबर है प्योर होंगी प्लीज, मतलब जो आप लोगों ने मानना बुरा नहीं मानना, तो मेरे कहने मतलब ये है कि हाँ वहां पे जो इमोशनली थोड़ा सा वीक होते हैं ना, वो वहां की तरफ भागेंगे, वहां से मैं थोड़ा सा लालच से कमा लाऊं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जमे रहोगे, निभे रहोगे, तो इस इंडियन मार्केट आपको अच्छी खासी प्रॉफिट देगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं। लेकिन मुझे तो बहुत खुशी हुई जब आज चाइनीज मार्केट की पिटाई हुई है, क्यों, क्यों उन्होंने, उनका चलता है ईयर चलता है लूनर वाला, हमारा चलता है सोलर पे। अब वो हमारे तो उल्टे चलते हैं, क्योंकि वो क्या है, कम्युनिस्ट है, तो कम्युनिस्ट उल्टा चलेंगे आपके, ठीक है। अब देखना कोई कम्युनिस्ट भाई होगा वो भी नहीं गुस्सा हो जाना, भाई मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ, चाइना के इंडियन कम्युनिस्ट के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, भैया मेरे मेरे को माफ कर देना अगर किसी को अगर बुरा लगता है तो, बिकॉज मेरा कोई इरादा नहीं होता किसी भी कम्युनिटी को किसी भी उसको हर्ट करना, लेकिन एक एग्जाम्पल देना पड़ता, बिकॉज ये एजुकेशनल चैनल है तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल देना पड़ता है मेरे भाई, ठीक है। नंबर वन, नंबर दो, क्या हुआ कि चाइना की जब पिटाई हुई है तो वो उनके भी जो अर्थशास्त्री हैं उन्होंने भी एंटी चाइना के, एंटी चाइना मतलब उनकी पॉलिसीज का, उन्होंने बोला है कि भाई और बूस्टर डोज देना पड़ेगा। चाइना ने बूस्टर डोज दिया नहीं छुट्टी से आने के बाद में, छुट्टी से सारे आए, उसके बाद में हो गई उनकी पिटाई। कल उनका 4.5% की उनकी ग्रोथ हुई थी, आज उनकी पिटाई हो गई, आज उनकी पिटाई हो गई तो हमारे जैसे इंडियंस को थोड़ा अच्छा लगा, और ये तो हमने पहले बोल दिया था भैया वो ज्यादा दिन टिकने वाले नहीं है। ग्रोथ रोथ का यार छोड़ दो, बहुत लोग बोलते हैं उनका बहुत ज्यादा ग्रोथ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हो जाने दो। कई सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि 50 साल ही उनको आजाद हुए हुआ, हमें इतने साल हुआ, उसके बाद में चाइना देखो जो इतना आगे निकल गया निकल गया, वो आपके सोचने की बात है, हमें मालूम है चाइना कितना और कैसे आगे निकला है। उस प्रकार की पॉलिसी ना तो हमारे इंडिया में चलेगी ना ही चल पाएगी, बिकॉज इंडियंस को हमारे समझ पाना और समझा पाना इतना आसान बात नहीं, और खास करके मैं भैया मैं यूपी का हूँ तो हमें मालूम है हमारे इंडियंस को हमारी गवर्नमेंट ही संभाल सकती है, ठीक है ना। लाख हम में बुराई हो फिर भी हमारा दिल हिंदुस्तानी है, ये गाने आप लोगों ने भी अच्छे से गाया होगा, गुनगुनाया होगा, सुना भी होगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं कि जो हमने आज का सब्जेक्ट का मुद्दा, बाकी छोड़ देते हैं मिडिल ईस्ट को, छोड़ देते हैं अमेरिका को, छोड़ देते हैं बाकी सारे को, छोड़ देते हैं। शशिकांत दास जी ने क्या कहा वो हमने आपको बता दिया है मोटा मोटी, इन्होंने दो, हाँ एक चीज उन्होंने और कही है कि जो ये लोन कुकुरमुत्ते जैसे लोग देते हैं ना, उन पर नकेल कसने की तैयारी है। कौन से, वो खाली दो टाइप के लोन देते हैं, आपको पता है दो टाइप के लोन होते हैं, एक गारंटीड लोन होते हैं, एक नॉन गारंटीड होते हैं, मतलब एक में आप कोलेटरल कुछ रख करके करते हैं, एक आप ऐसे ही दे देते हैं सिविल स्कोर वगैरह देख करके। उसके बाद में जो ऐसे ही लोन दिया जाता है उसमें खास करके पर्सनल लोन आता है और एक लोन उस टाइप का आ जाता है, तो जिसको हम जो इजिली अवेलेबल हो जाता है, इजिली अवेलेबल में मतलब उसमें क्या होता है डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा रहते हैं तो अब वो क्या होता है कि एक प्रकार से बर्डन हो जाता है किसके ऊपर, उस संस्था के ऊपर तो हुआ ही, जिसने आपको लोन दिया या जिसको भी दिया, हमें आपको तो क्या देंगे वो, तो जिसको भी दिया उसको लोन दिया तो उसके ऊपर तो बर्डन हुआ ही, प्लस एनपीए होता तो उसका पूरा पूरा ठीकरा जो है सरकार हमारे ऊपर, हमसे हमसे वसूलती, आम आदमी से वसूलती है। आम आदमी में हमारे जैसा आदमी पिसता है जो कि टैक्स पेयर है, और प्लस टैक्स आपको पता है दो टाइप के टैक्स होते हैं, जो डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स, तो जो डायरेक्ट का भार तो हमारे ऊपर पड़ता है, इनडायरेक्ट का भार भी पूरी जनता पर पड़ता है। तो इन सारी चीजों को मतलब जो है ठीक है, मैं इसको अच्छा स्टेप मानता हूं कि अगर उनके ऊपर नकेल कसी जाती है तो उससे एनपीए कम होंगे, एनपीए कम होंगे तो थोड़ा सा हमारा फाइनेंस सेक्टर बूम करेगा, फाइनेंस सेक्टर बूम करेगा तो एक आम सेक्टर है हमारी मार्केट भी बूम करेगी, ठीक है। चलिए अब आगे, हालांकि इसको फाइनेंस सेक्टर ने पॉजिटिव वे में नहीं लिया है, पॉजिटिव क्या
रिस्पॉन्स भी नहीं किया। और दूसरा क्या है कि जैसे ही मार्केट अभी ऊपर जाएगी ना, तो शॉर्ट सेलर्स उसको क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे करेंगे, वो उसकी टांग को खींचना चाहेंगे, जिनको हम जो है ये अपने बोलते हैं अपना बियर्स बोलते हैं ना, वो खींचेंगे, वो अपना मार्केट की भाषा है, उसको चलने दीजिए। आगे हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट पर। तो सब्जेक्ट में दोस्तों हमने आज बहुत ही यूनिक सा सब्जेक्ट लिया, टॉपअप वर्सेस लमसम इन म्यूचुअल फंड। अब टॉपअप मीन्स आप बोलोगे टॉपअप, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताना चाहूंगा, बिल्कुल स्टैंडर्ड सा फार्मूला है, उस फार्मूले पर जरूर डिस्कस करूंगा। वो फार्मूला ये है भाई मेरे, 15 साल के लिए 15,000 रुपए, 15% का अगर आपको गेन मिलता है तो आपका 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। अब अगर आप इसको चाहते हो कि मेरा जल्दी रिकवर हो जाए, तो आप क्या करना चाहोगे उसको, आप ये चाहोगे कि उसको हम थोड़ा सा टॉपअप करें। तो टॉपअप की भाषा में ये होता है, जो स्टैंडर्ड रूल है वो स्टैंडर्ड रूल ये है कि भाई आप वहां पर क्या करो, 10% का हर साल टॉपअप करते जाओ, जितनी अगर 15,000 के SIP आप उसको 10% के हिसाब से टॉपअप करते जाते हो, तो क्या होगा, आपका टारगेट इजीली कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हो बात। अब आपको पता है कि अगर महंगाई के साथ भी आपने अमाउंट आज की डेट में सोच लिया है आपको उससे अबव जाना है, तो आपने क्या करना पड़ेगा, फिर वहां पर आपको मैनुअल टॉपअप करना पड़ेगा रेदर देन ऑटो टॉपअप उसके। अब यहां पर लमसम और टॉपअप में बेसिक डिफरेंस आ जाता है। अब जैसे वहां पर 10% का टॉपअप है ना, तो इसीलिए आपको बताया जाता है कि परसेंटेज के मुताबिक जिस परसेंट में आपकी गिरावट हो रही है, आप अपने टोटल कार्पस का जो आपने रखा हुआ है उस कार्पस का उतना ही परसेंट आप एलोकेट करो। समझ गए। अब जैसे 1,00,000 रुपया आपने अगर रखा हुआ है कि मैं इसको टॉपअप करूंगा, लमसम करूंगा, तो आप उसमें कितना करेंगे, 6,000 रुपया आप जैसे होता है उसको तुरंत आप डाल देंगे। जितने परसेंट की गिरावट होती है उतना परसेंट आप डाल देंगे। अगर 6% गिरा है 6,000 रुपया डाल देंगे, 5% गिरा है 5,000 रुपया डाल देंगे, 20% जो है 10%, जब 10% से यबब गिर जाती है तब आप उसके बाद में अपने पेस को बढ़ाएंगे, उसी मुताबिक अपने पेस को बढ़ाएंगे। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आप बहुत अच्छा वेल्थ आप अक्यूमुलेट करेंगे। 2% गिरावट हुई है 2,000 रुपया डाल दो, 3% की गिरावट हुई 3,000 रुपया डाल दो, 4% की गिरावट हुई 4,000 रुपया डाल दो, 5% गिरावट हुई 5,000 डाल दो। ये है टॉपअप। और अगर आपको लमसम करना है तो 2-3 पार्ट में करके उसके बाद में उसको डाल दो, लेकिन ये टॉपअप वाला पैसा आपने थोड़ा सा उसको कहीं ना कहीं उस प्रकार के उसमें इंस्ट्रूमेंट में रखना है जहां से आप बैंकिंग का आपका मिल जाए। उसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, कहीं पर भी आप जाओगे वो आप अपना मॉडिफाइड बोलना, भाई मेरा मॉडिफाइड में इन्वेस्ट कर दो, वो आपका वहां पर कर देगा ऑटो स्वीप जिसको बोलते हैं। आजकल लगभग हर बैंक आपका दे रहे हैं, तो वहां से भी आपको मिलता जाएगा प्लस यहां से आपको मिलता जाएगा, आप उसको धीरे धीरे इसी परसेंटेज में एलोकेट करते जाओगे। अब ये सब आपको तसल्ली से इसलिए समझाया जाता है कि भाई मेरे देखो लमसम एंड टॉपअप दो चीजें अलग अलग हैं, डिफरेंट थिंग्स हैं। जब आपकी 10% से ज्यादा हो जाती है तब आप लमसम के बारे में सोचना है, तब तक आपने अपने टॉपअप वाली स्पीड से ही अपलोड करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आप सुकून भी रहोगे, आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट भी लेकर के मार्केट से निकलोगे। ये आपका बिल्कुल नेचुरल फेनोमेना है, आजमाया हुआ फेनोमेना है, इसी अनुसार आपको चलना है। इसी से रिलेटेड मैंने आज सवेरे ये भी डाला था कि भाई अब मैं जितना करना था कर दिया है, अगर इसी लेवल पर रुकती है तो मैं उसके बाद में नहीं करने वाला हूं। ये सारी चीजें मैंने सवेरे क्लियर किया था, लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि आप अपने टॉपअप के अमाउंट को उस परसेंटेज में ना करें अगर आपको इजीली, क्योंकि आजकल क्या हो गया है आपने देखा हुआ मार्केट में 20-20 का गेम हो गया है। अब इस 20-20 के गेम में अगर आप उसमें इस प्रकार से नहीं करोगे तो मेरे ख्याल से क्या होगा कि आप वहां पर चूक जाओगे, रैली आपकी चूक। अगर आप इंतजार करते रहोगे जब मार्केट इतना गिरेगी गिरेगी गिरेगी, कोई नहीं कह सकता है भाई। आज की डेट में इतने सारे सिंडोज के बाद में भी मैं भी नहीं कह सकता हूं, सभी बोल रहे हैं GDP डाउन होगा, महंगाई डाउन होगा, प्रोडक्शन डाउन होगा, फिर उसके बाद में कंपनियों की ग्रोथ डाउन होगी, Q2 के रिजल्ट आने वाले हैं, वो होंगी, कितने सारे आपको एग्जाम्पल हमने कल में परसों में इन सारे सिंडोज को कर दिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसके बाद में इंतजार में ही पड़े रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक छोटा सा ट्रिगर मिलेगा, एक छोटा सा सेंटीमेंट जनता का बनेगा, उसके बाद में मार्केट
कब जो शूट अप कर जाएगी, कब वो 86,000 को क्रॉस कर जाएगी। तो 86,000 पर पहुंचने के बाद में जितना परसेंट गिरी है ना, ये मान करके चलिए कि उतना परसेंट आप तो जानी जानी है, क्योंकि इसको इतना कुशन मिल गया है। और वहां तक अगर पहुंचेगी तो उससे अब वहां जाकर के, तब वहां जाकर के फिर कंसोलिडेट करेगी ऊपर। तो इस प्रकार से आपकी मार्केट चलती, इस प्रकार से यहां पर चलता। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, टॉप अप समझा दिया, लमसम समझा दिया, सिंडो समझा दिया, मार्केट का हाल समझा दिया। और ये तो हमारा काम, ये शाम सवेरे आप लोगों से बातचीत करता रहता हूं। दूसरी चीज अंत में मैं चलते चलते एक चीज और बोलना चाहूंगा यार, कि एक हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर और व्यूअर की चिंता मुझे हो रही थी, धनंजय सर की। तो एक्चुअली कुछ हमारे पास तो भी नहीं, सोर्सेस भी तो नहीं है कि हम आप लोगों से कैसे हो करें, कॉन्टेक्ट कैसे कर सकते हैं। एक्चुअली बात सही है, लेकिन जो लोग रोज हालचाल लेते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं, उनसे एक अपना अपना जुड़ाव सा हो जाता है। तो जो है धनंजय सर के लिए हमने जो है चिंता व्यक्त करी थी 2-3 वीडियोज में, तो उन्होंने उसके बाद में किसी के उससे जो है कमेंट करा है कि मैं ठीक ठाक हूँ, और किसी और की आईडी से कमेंट किया उन्होंने, उनके फोन में कुछ अपना डिफरेंस आ गया है। तो बाकी वो ठीक है, मुझे इस बात की बहुत ही खुशी हुई है। और एक्चुअली मुझे उनके स्वास्थ्य की चिंता हो रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया, तो काफी हमें अपना खुशी हुई। तो आप लोग जो है अपना खुशहाल रहे, नवरात्रि का सीजन है, और थोड़ा सा अपना अपने ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान दें, निवेश के बजाय निवेश तो करते रहें, प्लस उसके बाद में अपने ऊपर भी ध्यान देना है हमने और आपने, ठीक है। तो बस इसके साथ ही अभी इसको क्लोज करते हैं, मिलते हैं सवेरे किसी और